गाइस, अगर आपका रिस्ट साइज भी बहुत ज्यादा हो चुका है तो बस मेरी बताई हुई सिर्फ ये दो सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, आपका रिस्ट साइज काफी अच्छा लूज हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपकी रिस्ट सैग भी कर गई है डिलीवरी के बाद, या नॉर्मली भी जब हम अच्छे से स्पोर्ट्स ब्रा नहीं पहनते हैं या हमें करेक्ट ब्रा के बारे में नहीं पता होता है, तो भी टीन एज से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके हमारी रिस्ट सैग करने लग जाती है। बहुत आसान से स्टेप्स हैं, वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा और फॉलो करिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है @healthtime। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टू सिंपल स्टेप्स। पहला होगा हमारा डाइट प्लान, दूसरा होगा बहुत ही आसान सी 3 से 4 एक्सरसाइजेस जो आपको ऑल्टरनेटिव डेज में फॉलो करनी है। तो डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में अगर आपके पास टाइम है तो 1 चम्मच जीरा और 1/4 स्पून दालचीनी रात को 1 कप में भिगो कर रख दीजिए और सुबह आपने वो पानी छान कर पी लेना है। ठीक है, अगर आप गर्म कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, उसको गर्म गर्म चाय की तरह सिप करके पिए, ज्यादा इफेक्ट आएगा, वो आपके ओवरऑल बॉडी के फैट को रिड्यूस करेगा। अगर आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है तो ऐसे टाइम पे आप क्या करें, 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पिए, लेकिन इससे पहले आपने थूकना नहीं है, कुछ नहीं करना, ताकि आपकी मुंह की लार है वो आपके पानी के थ्रू पेट में जाए और सारे आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकाले। उसके बाद आपने फ्रेश होने चले जाना है। ठीक है, अब बारी आ जाती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट हमेशा आपको किंग की तरह करना चाहिए, यानी एक राजा की तरह करना चाहिए। हल्का ब्रेकफास्ट आप कभी ना करें, क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट बहुत हल्का करेंगे तो लंच और डिनर आप बहुत ज्यादा हैवी करेंगे, क्योंकि आपको भूख लग जाएगी। तो स्टार्टिंग में हमारी क्या होता है, आयुर्वेद में बोलते हैं कि हमारी बॉडी सूरज की तरह रिएक्ट करती है, तो सुबह आप जितना ज्यादा खाएंगे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है और सूरज ढलते ढलते आपका बिल्कुल मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आपको अच्छा खाना खाना है, आप 1 से 2 पराठे आलू के, पनीर के, प्याज के, गोभी के, किसी भी चीज के पराठे खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, रोटी सब्जी है वो खा सकते हैं। अब बात आ जाती है मिड मॉर्निंग स्नैक की, यानी 12 बजे की। 12 बजे आप कोई भी सीजन का फ्रूट ले लीजिए, आपको उसको जरूर खाना है। अनार है, केला है, पाइनएप्पल है, जो भी है, क्योंकि आपकी बॉडी में फाइबर जाना बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, वो नेचुरल शुगर भी है तो आपको एक्स्ट्रा शुगर की क्रेविंग्स भी नहीं होगी। अब बात आ जाती है लंच की। लंच में आपने लेना है 1 रोटी, क्योंकि सुबह आप ऑलरेडी हैवी मील ले चुके हैं, 1 रोटी से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छी खासी आपने दाल का कटोरा ले लेना है और दही जरूर लेना है, उसमें डालना है हींग और भुना हुआ जीरा। लंच के बाद बारी आ जाती है इवनिंग स्नैक की। 5 बजे के करीब आपने कोई रस, बिस्किट कुछ नहीं खाना है, आपने सिंपल ग्रीन टी पीनी है लेमन ऐड करके। इसके अलावा आपने उसमें कोई शुगर ऐड नहीं करना, हनी ऐड नहीं करना, गुड़ ऐड नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना। अब बात आ जाती है डिनर की, जो आपको 7 to 8 के बीच में कर लेना है। डिनर में आपने कोई भी रोटी चावल नहीं लेने, आपने बाउल भर के प्रोटीन का आपने बनाना है। किस तरीके के, आपने एक दिन पहले या तो मूंग साबुत दाल को या फिर चने को या फिर राजमा को आपने भिगो कर रख देना है, अंकुरित कर लेना है और उसी में आपने प्याज टमाटर कट करके लेमन ऐड करना है और उसको खा लेना है। अगर वो नहीं खा सकते तो घी का आपने सूप बना लेना है, घी आपको प्याज, लहसुन, अदरक ये सब डाल के, हींग डाल के तड़का लगाकर उसका सूप पी लीजिए, या बिल्कुल ही पतली पतली उबली हुई दाल आपने पीनी है। अब बात आ जाती है नाइट में सोने से पहले, तो आप छोटा सा कप हल्दी वाले दूध का जरूर पी लीजिए, क्योंकि वो आपके मसल को रिलैक्स करता है, आपको एक अच्छी नींद देगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब बारी आ जाती है हमारे सेकंड स्टेप की, जो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है अब वो देख लेते हैं। आपने अपने हैंड्स को इस तरीके से बैक साइड पे लेकर जाना है और ऐसे जॉइन करना है, बैक जॉइंट। जब आप जॉइन कर रहे हैं आप देखें आपका ब्रेस्ट एकदम साथ में ऐसे स्क्वीज हो रहा है, तो जब वो स्क्वीज होगा तो अपलिफ्ट भी होगा, वहां पे ब्लड फ्लो अच्छा होगा और वहां का जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको उसको करना है एटलीस्ट 50 टाइम्स। डन, यहाँ पे आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से हैंड जॉइन करना है, अपने हैंड को इस तरीके से करेंगे, आगे लेकर जाएंगे तो आपका ब्रेस्ट एकदम स्क्वीज होगा, तो जब आप मसल आपका ओपन होगा, क्लोज होगा, ऐसे करने से ब्लड फ्लो अच्छा होगा और आपके वहां का फैट रिड्यूस होगी, आपके ब्रेस्ट को एक बहुत अच्छा शेप मिलेगा, टोन हो जाएगी आपकी बेसिकली ब्रेस्ट। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बस ऑल्टरनेटिव डेज में जितने रास बताए जा रहे हैं प्लीज फॉलो करना, इसको हम करेंगे 100 टाइम्स। अब बारी आती है लास्ट एक्सरसाइज की। लास्ट एक्सरसाइज में आपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से ज्वाइन करना है
अप साइड, बैक साइड पे आप देख रहे हो पूरा ब्रेस्ट लिफ्ट हो जाता है, देन फ्रंट। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।